ये दिन की शुरुआत होती है कौए को रोटी देने से। तो आज घर में बहुत काम भी है, तो भाई लोग अभी मैं आया हूँ छत पे बची खुची रोटी, क्योंकि आज मैं रोज़ा हूँ। तो मेरा सुबह का नाश्ता जो कौए में जा रहा है, तो आज मैं रोज़ा हूँ। मन आज थोड़ा ठीक हो गया तो मैं आज रोज़ा हूँ। कौए आ नहीं रहा है खाने के लिए, लगता है कौए भी रोज़ा रख रहे हैं क्या यार। फाइनली कौए आ चुका है, खा भी रहा है ये लोग। चलो अब मैं भी नीचे चलता हूँ, आके फ्रेश हो जाता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ने भी जाना है जोहर का। जोहर की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा तो वहीं से दूध के टिफ़िन जो है दूध वाले के यहाँ रख के चले जाए। लोग नहा धोवा के फ्रेश होकर मैं निकल पड़ा हूँ दूध की टिफ़िन देने के लिए। दूध वाले को टिफ़िन देने जा रहा हूँ। धूप बहुत कड़ा है भाई लोग, रोज़ा लग रहा है बहुत ख़राब से यार। धूप बहुत यहाँ पे तेज़ है, बहुत गर्मी है यार। रोड से हट जाए यार। दूध की टिफ़िन तो फ़िलहाल दे दी है और अभी आए हैं रिचार्ज की दुकान पे रिचार्ज करवाने के लिए। फ़िलहाल दुकानदार जो है नहीं, तो उनके आने का वेट कर रहे हैं। मोबाइल की रिचार्ज मेरी जो है ख़त्म हो चुकी है, तो उसके में रिचार्ज कराना है। तो भाई लोग शाम हो चुकी है, चलो देखते हैं क्या क्या बन रहा है अफ्तार में। लाल जो है रोटी बन चुका है, ये रात में खाने के लिए है। और ये रहा प्याजू, इसका प्याजू जो है बनेगा। और ये रहा दूसरी तरफ गोश्त जो रोटी के साथ रात में खाया जाएगा। फाइनली प्याजू वाजू देख सकते हो छना चुका है। और ये रहा फल फ्रूट जो कट चुका है। और ये रहा रूह अफ़ज़ा इतना नहीं है, अभी इसमें पानी मिलेगा, ये पूरा गाढ़ा है, अभी ठंडा पानी मिलेगा। अभी 2 मिनट और बाकी है, शरबत जो रेडी हो चुका है। तो भाई लोग नमाज़ वमाज़ पढ़ के आ गए। और ये रहा गोश्त और रोटी। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, ऐसे ही मिनी ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आगे वाली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।